हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो प्रीवियस वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया फ्रैक्शन एंड डेसिमल से रिलेटेड, जो कि मोस्टली बच्चों ने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। उन्होंने रिप्लाई किया कि सर ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। सो बेसिकली सो फर्स्ट चैप्टर मैंने डिसाइड किया है कि हम एक्सरसाइज फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे। सो आपके फ्रेंड दोस्त जो भी हैं उन्हें आप कनेक्ट करें कि स्टडी कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी है और आप ऐड हो जाएं। सो आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जो कि इंटीजर से रिलेटेड है। तो पहले हम इंटीजर्स को समझेंगे कि इंटीजर्स क्या है। बेसिकली हमने आज तक नंबर लाइन के क्वेश्चन किए हैं, प्रीवियस क्लास में भी हमने किए थे, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो आपके सामने जो नंबर लाइन है वो इस टाइप से मेंशन होती है कि मिड वैल्यू है वो आपके पास 0 है, जो कि न्यूट्रल होगा, ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव में ऐड करोगे तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव में ऐड करोगे तो नेगेटिव रहेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव है। सो अगर आप चेक करें कि जैसे जैसे हम 0 से इस साइड राइट हैंड साइड चलेंगे तो वैल्यू क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। बट आप जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड चलोगे वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इससे हमारे कॉन्सेप्ट पर क्या इफेक्ट होगा वो चेक कीजिए कि अगर मैं आपसे यहां कहूं कि 3 और 5 में क्या डिफरेंस रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा सर 5 is greater than 3 या 3 is less than 5, यानी कि 5 है वो 3 से बड़ा है और 3 है वो 5 से छोटा है। और अगर इस साइड बात करें, यानी कि जैसे ही नंबर डिजिट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी के जस्ट अपोजिट जैसे जैसे नेगेटिव साइड में चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि -3 और -4 में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, तो अगर डिजिट के बेस पर देखें तो 5 4 से ग्रेटर देन होता है, बट यहां रहेगा -4 ग्रेटर देन क्या होगा, -5। अगर मैं आपसे कहूं कि -1 और 0 में क्या डिफरेंस है, तो आप ये करोगे कि 0 greater than -1। अगर मैं आपसे ये कहूं कि -3 और -2 में क्या डिफरेंस है, तो -2 greater than -3। ऐसा क्यों है, देखिए कि ऐसा क्यों है, हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपीज है, कितने हैं 100 रुपीज है, एक साइड वैल्यू है मेरे पास -2, एक साइड वैल्यू है मेरे पास -3। इसका मीन ये हुआ कि मैंने यहाँ 2 रुपीज स्पेंड कर दिए, 100 में से मैंने 2 रुपए खर्च किए 2 रुपीज, तो मेरे पास अमाउंट कितनी रही 98। और अगर मैंने 3 स्पेंड किए तो मेरे पास अमाउंट क्या रही 97। तो चेक करो ग्रेटर कौन सा है, 98 ग्रेटर है। इसका मीन ये हुआ कि -2 is greater than -3। सो बेसिकली ये तो है कॉन्सेप्ट कि ग्रेटर और स्मॉलर कौन सा होता है। एक एग्जांपल और करेंगे, -10 एंड -20, सो कौन सा इंटीजर ग्रेटर होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए -10 is greater than -20। रीजन, सपोज कि मेरे पास 50 रुपीज है, अगर मैं 10 स्पेंड करता हूं तो अमाउंट क्या रहेगी मेरे पास 40, और अगर मैं 20 स्पेंड करता हूं तो अमाउंट क्या रहेगी 30, तो 40 is greater than 30। तो ये क्वेश्चन है कंपैरिजन के, ग्रेटर देन और लेस देन के। बस ये कॉन्सेप्ट था जिसमें हमें ये क्लियर करना था कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन होती है, कौन सी लेस देन होती है, क्या इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी वैल्यूज होती है वो इंटीजर होती है, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कहलाता है। सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि -3 एंड -7, आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, -3 एंड -7। इससे पहले बेसिकली अगर हम ऐड करते हैं +2 और +3 को ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या रहता है +5। साइन सेम है, वैल्यू ऐड हो जाएगी। एज इट इज ही इस क्वेश्चन के अंदर भी होगा कि 3 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 10, बट साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा।
अब ऐसा क्यों हुआ, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि मेरे पास 20 रुपीज है, पहले मैंने 20 में से कितने स्पेंड किए, 3 स्पेंड करने पर मेरे पास अमाउंट क्या रही, 70। फिर मैंने कितने स्पेंड कर दिए 17 में से 7, तो मेरे पास अमाउंट कितनी रही 10। और टोटल मैंने कितने रुपए स्पेंड किए, कितने रुपए खर्च किए 20 में से, मेरे पास कितने हैं 10, तो मैंने 10 स्पेंड किए। इसका मीन कि माइनस और माइनस की वैल्यू को अगर ऐड करें तो आंसर हमारा माइनस ही रहता है, बस वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी। सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक टेम्परेचर स्केल दे रखा है, नंबर लाइन ही बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मिड में आपके पास जीरो है, इस साइड आपके पास पॉजिटिव, इस साइड आपके पास नेगेटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 25 दिसंबर को टेम्परेचर क्या था, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सर -5 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आपसे कहूँ कि 25 मार्च को टेम्परेचर क्या था, तो आपका आंसर रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे हॉटेस्ट डे कौन सा है, हॉटेस्ट डे का मतलब टेम्परेचर प्लस होता जाएगा तो गर्मी बढ़ती जाएगी, यानी कि इन्वायरमेंट हॉट होगा, टेम्परेचर लो होगा तो इन्वायरमेंट कोल्ड होगा। सो आप ये बताइए कि ये कोल्डेस्ट डे है और वो हॉटेस्ट डे है, तो सबसे हॉटेस्ट डे का टेम्परेचर क्या है आपके पास, 20 डिग्री सेल्सियस, और कोल्डेस्ट डे का -10 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप से स्मॉल क्वेश्चन है आपके फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें आपको कोल्डेस्ट स्मॉलेस्ट 25 फेब को, 25 मार्च को, 25 दिसंबर को टेम्परेचर क्या है वो राइट करना है। सो टेम्परेचर नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड एक क्वेश्चन ये है कि मैं आपको ये कहूँ कि डिफरेंस बिटवीन कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट डे, आपको कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट डे के बीच में क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। डिफरेंस का मीन क्या हुआ, माइनस करना है। तो अब आप ये चेक करें कि सबसे हॉटेस्ट डे कौन सा था हमारे पास, 20 डिग्री सेल्सियस, कोल्डेस्ट डे का क्या था हमारे पास, -10 डिग्री सेल्सियस। इसका मीन ये हुआ कि डिफरेंस अगर हमें चेक करना है तो 20 डिग्री सेल्सियस में से क्या माइनस करना होगा, हमें 10 डिग्री सेल्सियस माइनस करना होगा। डिफरेंस ही फाइंड करना है तो डिफरेंस का मीन क्या हुआ, माइनस, बट 10 के साथ में भी माइनस यूज हुआ है, तो ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आंसर रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों हुआ, अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस है, ब्रैकेट में प्लस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस है, ब्रैकेट में माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट में भी प्लस है, तो आंसर प्लस रहेगा। ब्रैकेट से बाहर माइनस है, ब्रैकेट में प्लस है, तो आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सो ये नोट कीजिए आप नोटबुक में कि साइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट डे के बीच में डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री। वैसे अगर इसके थ्रू चेक करें तो भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास कोल्डेस्ट डे है और ये हमारे पास हॉटेस्ट डे है। जीरो से इस साइड कितना है हमारे पास 20, और जीरो से इस साइड कितना हमारे पास 10, तो टोटल करेंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 30 डिग्री। सिंपल है कि अगर हमें यहाँ से हॉटेस्ट की तरफ चलना है तो यहाँ से जीरो तक 10 चले, जीरो से कितना चले 20, तो बेसिक या कॉमन सेंस से भी इसका आंसर क्या फाइंड हो सकता है, 30 डिग्री सेल्सियस। सो ये तो था आपका डिग्री सेल्सियस से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अगर मैं बैंक की बात करूं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, बुक के क्वेश्चन आपको सेल्फ सॉल्व करने हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन की पावर बढ़ेगी। अगर मैं ये कहूं कि मेरे अकाउंट में टोटल अमाउंट 5000 है, कितनी अमाउंट है 5000, और मैंने
उसमें से विड्रो किए कितने 2000, तो अमाउंट लेफ्ट कितनी अमाउंट मेरे अकाउंट में रहेगी कि 5000 तो अकाउंट में थे मेरे, तो वो तो पॉजिटिव है, प्लस पॉइंट है मेरा। अकाउंट से मैंने विड्रो किए 2000, विड्रो करने का मतलब क्या हुआ कि अकाउंट में अमाउंट है वो कम हो गई, कितनी कम हुई 2000। जो अकाउंट में से अगर हम विड्रो करेंगे तो विड्रो के लिए साइन कौन सा यूज होगा, नेगेटिव। अगर हम अकाउंट के अंदर क्रेडिट करते हैं तो साइन कौन सा यूज होगा, प्लस। जैसे मान लो कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज है और मैंने 2000 है उसमें डिपॉजिट किए, तो डिपॉजिट के लिए साइन कौन सा यूज होगा, प्लस। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी 12,000, बट मेरे अकाउंट में 5000 थे, 2000 मैंने विड्रॉ किए, तो अमाउंट कितनी रह जाएगी मेरे अकाउंट में 3000। ये आपका एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे मैंने ये कहा कि -3 + 4 + 2 इसे सॉल्व करना है, तो हम पहले प्लस प्लस की वैल्यू को ऐड करेंगे। प्लस फोर और प्लस टू कितना हुआ, +6। यहां हमारे पास कितना है, -3 है, तो 6 में से अगर 3 माइनस करें तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि इस आंसर के साथ वही साइन यूज होगा जो वैल्यू ग्रेटर होगी। सो नेक्स्ट एग्जांपल कि मेरे पास -50 है, -20 है और +40 है, तो अब आप चेक करो कि दोनों वैल्यू माइनस है तो वैल्यू ऐड हो जाएगी, बट साइन क्या रहेगा, माइनस। 50 में 20 ऐड किया कितना हुआ 70, नेगेटिव रहेगा। प्लस की वैल्यू हमारे पास कितना है 40। अब आप ये देखिए कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव है और पॉजिटिव वैल्यू क्या है, स्मॉलर है। तो नेगेटिव साइन हमेशा क्या कहता है कि वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। तो 70 में से मैंने 40 माइनस कर दिए। अगर आप यू इस टॉपिक को क्लियर ना कर सके तो 40 को आप पहले राइट कर लो, 70 को आप इसके बाद राइट कर लो, साइन चेंज नहीं होगी। तो स्मॉलर वैल्यू में से बिगर वैल्यू माइनस करनी है, और जब भी स्मॉलर में से बिगर वैल्यू माइनस करेंगे साइन ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो 40 में से मैंने 70 माइनस किया तो मेरा आंसर क्या रहा, -30 रहा आंसर। तो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन हम एक सॉल्व करेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बुक का क्वेश्चन आपका रहेगा 15 -8 and -9, इसे सॉल्व करना है। तो 15 तो एज इट इज रहेगा, 8 भी एज इट इज रहेगा। अब ब्रैकेट से पहले आपके पास प्लस है और ब्रैकेट के अंदर आपके पास माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वैल्यू 9 हो जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो 15 तो एज इट इज रहेगा, -8 और -9 कितना हुआ, -17। अब आपको 15 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करना है, स्मॉलर वैल्यू में से बिगर वैल्यू माइनस करनी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, -2 रहेगा। क्योंकि आप ये कर सकते हैं कि 17 में से 15 माइनस करना है तो बिगर वैल्यू का साइन क्या है, माइनस है, तो -2 आपका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बुक का 23 -41 और -11, ये आपकी बुक के क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं। 23 -41 -11, तो 23 आपके पास पॉजिटिव है एज इट इज रहेगा, -41 और -11 कितना हुआ, -52, क्योंकि मैंने कहा कि माइनस और माइनस की वैल्यू ऐड हो जाएगी बट साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा। सो 23 में से 52 माइनस करना है, आंसर क्या रहेगा आपका, 23 में से 52 29, और वो भी किसका रहेगा, माइनस का। ऐसा क्यों, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू में से बिगर वैल्यू हम माइनस कर रहे हैं। तो ये इस टाइप से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और लास्ट में इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।